लालगंज से समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद सरोज को बनाया अपना प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का आज ऐलान किया है, जिसमें लालगंज से समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार दरोगा प्रसाद सरोज पर फिर से भरोसा जताया है तथा उन्हें लालगंज से सांसदी के लिए टिकट का ऐलान किया है। उनके ऐलान के बाद से ही समाजवादी पार्टी के समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें, लालगंज से भारतीय जनता पार्टी ने नीलम सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी लालगंज से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। अब दो बड़ी पार्टियों के ऐलान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। देखना है क्षेत्र की जनता किसे लालगंज से अपना सांसद चुनती है। आपको बता दें, लालगंज लोकसभा की सुरक्षित सीट से शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया। पार्टी ने इस सीट से 2 बार सांसद रहे दरोगा प्रसाद सरोज को 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है। लालगंज तहसील क्षेत्र के सोफीपुर पटवास गांव निवासी दरोगा प्रसाद सरोज ने 1996 में राजनीति में कदम रखा। सपा के टिकट पर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें बीएसपी के डॉक्टर बलराम से हार का सामना करना पड़ा। 1998 के चुनाव में सपा ने एक बार फिर से दरोगा प्रसाद सरोज को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया तथा उन्होंने पार्टी के विश्वास को मजबूत करते हुए पहली बार सांसद बनने का गौरव हासिल कर लिया। 1999 में एक बार फिर वो सपा के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उन्हें हार झेलनी पड़ी। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर मैदान में उतरे दरोगा प्रसाद सरोज दूसरी बार सांसद बने। एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।